الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين أما بعد بزرگان ملت برادران عزیز آج ہم اپنے وطن عزیز کی 75वीं सालगिरह आज़ादी की मुनासिबत से मना रहे हैं। आप जानते हैं कि आज़ादी का मतलब क्या है। आज़ादी का मतलब छुटकारा पाना। किससे छुटकारा पाएंगे? जुल्म से। किससे छुटकारा पाएंगे? जो चीज़ हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है उससे छुटकारा पाएंगे। जो चीज़ अदल इंसाफ के ख़िलाफ़ है उससे छुटकारा पाएंगे। जो हमारे लिए नुकसानदेह है उससे हम छुटकारा पाएंगे। छुटकारा अच्छी चीज़ से नहीं पाया जाता। छुटकारा इंसाफ से नहीं पाया जाता। छुटकारा खैर से नहीं पाया जाता। शर से छुटकारा पाया जाता। बुराई से छुटकारा पाया जाता और इस किस्म के तमाम नुकसान देने वाली चीज़ों से छुटकारा पाया जाता। इसी वजह से हदीस शरीफ में आता है, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही وَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ عَلَيْهِ فَبِلِسَانِهِ وَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ عَلَيْهِ فَبِقَلْبِهِ ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ। बतलाया गया कि अगर तुम किसी नापसंदीदा चीज़ को, नामुनासिब चीज़ को, मकरूह चीज़ को देख रहे हैं तो उसको बदल दो। देखकर खामोश रहना और उससे अनजान होना ये इस्लाम में नहीं बतलाया गया। अगर तुम्हारे अंदर कुव्वत है, ताकत है, सलाहियत है तो अपनी कुव्वत और ताकत के ज़रिए उसको बदलो। लेकिन हमेशा कुव्वत और ताकत का मिलना तो मुश्किल है। हर एक को यह सहूलत मिलना तो बहुत मुश्किल है। इसलिए फरमाया गया, अगर इसकी ताकत ना हो, इसकी सलाहियत ना हो और इस मौक़ में तुम ना हो तो कम से कम अपनी ज़बान से तो उसको बुरा कहो, उसकी मजम्मत करो, उसके जो है खिलाफ अपनी आवाज़ तो उठाओ। ये तो कर सकते हो। अगर ये भी नहीं कर सकते, ये भी ताकत नहीं है, ये भी अगर सलाहियत मुयस्सर नहीं है तो बतलाया गया कि आखिरी दर्जा इसका ये है कि कम से कम तुम अपने दिल में तो उसको बुरा समझो। क्योंकि कहीं ये हुक्म नहीं दिया गया कि बुरी चीज़ को अच्छा समझा जाए, जुल्म को अच्छा समझा जाए, ये कहीं नहीं बतलाया गया। तो ये है। फिर उसके बाद जो है हुक्म दिया गया कि देखो, रास्ते में अगर कोई कांटा चुभने वाला हो या कोई और तकलीफ़ देने वाली चीज़ हो तो हदीस शरीफ में आता है कि उसको भी हटाओ, क्योंकि इससे भी तुम्हारे भाई को नुकसान होगा, इससे भी दूसरे चलने वाले को अज़ियत पहुँचेगी। तो बतलाया गया कि रास्ते में अगर कोई कांटा हो या कोई तकलीफ़ देने वाली चीज़ हो तो उसको भी दूर करने का हुक्म दिया गया। हालांकि इससे कोई ज़्यादा नुकसान तो नहीं है, कौम का नुकसान तो नहीं है, किसी कबीले का नुकसान तो नहीं है, ख़ानदान का जहर से बहुत एक आदमी को थोड़ी सी तकलीफ़ होती है। लेकिन इस्लाम ये कहता है कि एक फ़र्द को भी, एक आदमी को भी ज़री सी तकलीफ़ हो ये भी मुनासिब नहीं है। ये इस्लाम इसकी तालीम देता है। इसी वजह से जो है बतलाया गया, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि तुम में अच्छा आदमी वो है कि तुम्हारे खराबियों से, तुम्हारे शर से या तुम्हारी किसी भी हरकत से तुम्हारा पड़ोसी महफूज रहे। अगर तुम अपने पड़ोसी को महफूज रखते हैं तो वो तुम्हारे लिए हक है, सही है, और उसके लिए भी हक। यहाँ तक के बतलाया गया कि मुझे आप इरशाद है, मुझे ये अंदेशा होगा कहीं पड़ोसी का इसमें हिस्सा ना हो जाए। तो मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, गौर करो कि पड़ोस का ताल्लुक क्या है। पड़ोस के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो हमारा हम मजहब हो। पड़ोस के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे ख़ानदान का हो। पड़ोसी के लिए ज़रूरी नहीं है कि वह हमारा कोई रिश्तेदार हो। बतलाया गया कि अदल व इंसाफ के मामले में, हक़ व सदाकत के मामले में जो है मज़हब को नहीं देखा जाएगा, रिश्ते को नहीं देखा जाएगा, किसी और चीज़ को नहीं देखा जाएगा। वहाँ सिर्फ हक़ और इंसाफ को देखा जाएगा। रंग, नस्ल, वतन और ये सारी चीज़ें बाद हैं, हक़ और इंसाफ पहले। तो ये बतलाया गया हमको।
तो इसी तरह मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, हक व बातिल की जंग आज से नहीं है, लाखों साल पहले से चली आ रही है। हज़रत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद के मुकाबले में खड़े हुए तो कोई जाति झगड़ा तो नहीं था, वहाँ भी हक व बातिल की जंग थी। इसी तरह अब तफसील में जाना तो नहीं है, हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हों ने बतला दिया कि हक व सदाकत के मामले में, अदल व इंसाफ के मामले में मैं जो है ख़ानदान को नहीं देखूँगा, मैं किसी के मुसलमान होने को नहीं देखूँगा, मैं किसी के वतन को नहीं देखूँगा। इन सारी चीज़ों को आपने ख़त्म करते कहा कि अगर सामने वाला हक व इंसाफ पर है तो मैं उसकी तायद करूँगा, नहीं है तो वो कुछ भी होगा मैं उसकी तायद नहीं कर सकता। तो बतलाइए आप कि यहाँ हज़रत सैयदना इमाम हुसैन की शहादत किसी और बुनियाद पर नहीं है, किसी और सबब से नहीं है, सिर्फ हक व सदाकत की बुनियाद पर आपने सारी चीज़ों को ख़त्म किया। तो ये है, तो इस्लाम इस बात की तालीम देता है कि हक और इंसाफ ये किसी मजहब से ख़ास नहीं है, हक और इंसाफ वतन से ख़ास नहीं है, हक और इंसाफ रंग और नस्ल से ख़ास नहीं है, ज़बान से ख़ास नहीं है, हर एक के लिए, हर एक के साथ। जो भी जुल्म करेगा उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, जो भी जो है इंसानियत की बर्बादी का काम करेगा उसके खिलाफ आवाज़ उठाना है, ना सिर्फ आवाज़ उठाना है बल्कि उसके सामने बिलमुकाबिल होकर जितनी ताकत है उसका मुकाबला करना, ये हमको तालीम दी गई है। इसी तरह जो है हमारे मुल्क पर जब अंग्रेज़ काबिज़ हुए, इनसे हमारा कोई ज़ाती झगड़ा तो नहीं था, कोई हमारा और मामला तो नहीं था, सिर्फ यही था कि वो हमको आपस में लड़ाते हुए अपनी हुकूमत चलाना चाहते थे, हिंदू और मुस्लिम की तफरीक डाल कर अपना मामला सीधा करना चाहते थे, यहाँ के लोगों के हक़ तल्फ करके अपने मुल्क और अपने मुल्क के लोगों को आबाद करना चाहते थे, यही उनका हमारा जवाब। ये चीज़ होती रही, चलती रही, लेकिन क़ानून कुदरत है कि किसी भी चीज़ की एक इंतहा, जिस तरह एक इब्तिदा है हर चीज़ की, उसकी इंतहा भी है। ये न समझा जाए कि जब कोई चीज़ शुरू होती है तो हमेशा बाकी रहती है, ऐसा नहीं। फिरौन आया, इब्तिदा हुई, इंतहा भी हुई। नमरूद आया, इब्तिदा हुई, इंतहा भी हुई। हर एक की इब्तिदा और इंतहा है, कोई जालिम हमेशा बाकी रहने वाला नहीं रहता। हदीस शरीफ में आता है कि उनसुर अखा का जालिमन काना व मजलूमन, तुम अपने भाई की मदद करो वो जालिम हो या मजलूम। तो सहाबा ने अर्ज़ किया कि हुजूर, मजलूम की मदद करना तो समझ में आता है लेकिन जालिम की मदद क्या है? तो आपने फरमाया कि जालिम को जुल्म से रोकना, यह उसकी मदद है। तो आपने ये नहीं फरमाया कि मुसलमान है तो जालिम है तो उसको छोड़ दो, या कोई जब मुसलमान जालिम है तो उसको नहीं छोड़ा जा सकता, तो फिर दूसरे को कैसा छोड़ा, उसको कैसे हम बर्दाश्त कर सकते हैं? तो उसके जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना ये फितरत इंसानी है, ये तालीमात इस्लाम है। तो इस तरह से जो है अल्लाह सुबहान व तआला का इरशाद है कि जब कोई नेक मकसद के तहत मैदान अमल में आता है, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, तो जो लोग हमारी राह में मुजाहदा करते हैं, कोशिश करते हैं, जिद्दोजहद करते हैं, हम उनके लिए अपने रास्ते खोलते हैं। तो पहले हमारी मेहनत, हमारी हिम्मत और हमारी जो है इखलास की नौयत, ये चीज़ें अगर पेश की जाएँ तो फिर बाद में अल्लाह की नुसरत आती है, अल्लाह की मदद शामिल हाल होती है। तो इस तरह से हमारे हुजूर पाक अलैहिस्सलाम हिजरत जो फरमाए, हिजरत का मतलब क्या था? हिजरत का मतलब यही था कि जायदाद छोड़ दें, मालो मता छोड़ दें, ख़ानदान व कबीला छोड़ दें और सारी चीज़ों को छोड़ दें। लेकिन इसके छोड़ने का मकसद क्या था? इसके छोड़ने का मकसद ये नहीं था कि हम जो है हक़ से जो है दूर हो जाएं या हक़ के मामले में सुकूत अख्तियार करें, ये नहीं था, बल्कि यहाँ हिकमत अमली ये थी कि हिजरत करके अपने मजलूम भाइयों की मदद की जाए, फिर उसके बाद ताकत पैदा करके इन जालिमों का मुकाबला किया जाए, ये मतलब था। हिजरत जो है कमज़ोरी की अलामत नहीं,
हिजरत इख्तियार के साथ की गई, मजबूरी के साथ नहीं की गई। सुराखा जब पीछा कर रहे थे, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने जब निगाह डाली तो ज़मीन में धंसने लगे। फिर जब तौबा की तो फिर वो निकल, आपने दुआ फरमाई वो निकलने। तो ये इख्तियार वाली हिजरत थी, मजबूरी की हिजरत नहीं थी। तो मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, हम ये न समझें कि साहब हिजरत का मतलब ये है कि कुछ भी हो हम जो है खामोश हो जाएं, कुछ भी हो हम मजबूर होकर ये करें। मजबूरी नहीं है, और मजबूरी की वजह से अगर कोई खामोश रहता है तो खैर उसका इख्तियार है, लेकिन शरीयत का जहाँ तक हुक्म, शरीयत का जहाँ तक मामला है वो ये कि तुम अपने आप को मजबूत करो, तुम अपने आप को मुत्तहिद व मुत्तफिक बनाओ, अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करो, अपने अंदर हिम्मत पैदा करो, अपने अंदर शजाअत पैदा करो, अपने अंदर लिल्लाहियत पैदा करो और अपने अंदर खुदा की ज़ात पर तवक्कुल पैदा करो। यह है, चुनाचे आप देखते और सुनते हैं, कई वक्त वाज़ों में आपने सुना कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है एक मरतबा अज़राहे मसलियत ये फरमाए कि तुम लोग ज़्यादा महर मत बांधा करो कि जिसके अदाई की ताकत ना हो। एक औरत उठी कहने लगी कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने ज़्यादा महर की हद मुकर्रर नहीं की, तो ऐ उमर तुम कौन महर मुकर्रर करने वाले हद। तो इस्लाम इतनी आज़ादी दिया कि अगर तुम किसी भी चीज़ को देख रहे हैं समझ रहे हैं तो उसमें तुमको पूरी आज़ादी है बोलने की, अपनी राय देने की। हज़रत उमर नाराज़ नहीं हुए, हज़रत उमर का खौल मसलिहत पर था। लेकिन जब उस औरत ने कहा तो फरमाया कि हाँ तुम सही कहती हो, तुम बजा कहती हो। तो ये नमूने हमारे पास हैं, ये मिसालें हमारे पास हैं। तो मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, यकीनन आज किसी नेमत के मिलने पर खुशी का इजहार करना और उसका शुक्र बजा लाना ये भी फितरत इंसानी है और इस्लाम में इसकी इजाज़त है, क्योंकि इंसान को राहत मिले, सुकून मिले, तो ये दुनियावी ज़िंदगी का मकसूद है। किसी हमको ये हुक्म नहीं दिया गया कि तुम अपने लिए मुसीबत तलब करो, तुम अपने लिए जो है रंज व गम के कैफियत तलब करो, ये हुक्म नहीं दिया गया। बल्कि हुक्म यह दिया गया, हमेशा ये दुआ मांगो कि अल्लाह मुसीबतों से बचा, ए अल्लाह फितनों से बचा, ये दुआ करने का। अब मुसीबत आ गई तो सब्र करना, मुसीबत आ गई या कोई फितना आ गया तो उसको दूर करना है, लेकिन फितना तलब करना नहीं है, ये हमारा काम है। तो इस तरह से ये नेमत है, ये राहत है, ये सुकून है, इस पर हमको शुक्र बजा लाना है और इसकी बखा के लिए कोशिश करना है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको एक बनाए, नेक बनाए। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व अला आलिही तय्यिबीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमईन बिरहमतिक।